गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? नमस्कार आप सभी को। और अभी 8 बजे हैं और मैं नहा धो के अपने स्टूडियो में आ चुका हूँ आज का काम शुरू करने के लिए। हमारी पूजा हो चुकी है और अब सीगनेस करना है। ये काम थोड़ा सा इसमें बचा हुआ है, जो दूसरा वाला था इसका हो चुका है, लेकिन ये थोड़ा सा बचा हुआ है, तो आज इस काम को पूरा करेंगे हम लोग और इसी पे आज फोकस करना है। बाकी सब चल ही रहा है काम, चलिए बीच बीच में आपसे बात करते रहेंगे और इस काम को करते हैं। ये काम ऑयल में है और मैं आपको कुछ ट्रिक्स और टिप्स भी देता रहूँगा आज कि ऑयल पेंट को कैसे करते हैं, किस तरीके से हम इसको और बेहतर से बेहतरीन कर सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ आज दिन भर, लोग करते हैं शुरुआत। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता दूं, ये काफ़ी पुरानी फ़ोटोग्राफ्स से बना रहा हूं मैं, और काफ़ी ओल्ड फ़ोटो थी ये जिन्होंने मुझे भेजी हुई थी, तो उससे वर्क हो रहा है ये। यहाँ पर जब हम ऑयल पेंट की बात करते हैं तो ऑयल पेंट में दोस्तों क्या होता है कि एक तो थोड़ा लेयर जो होती हैं वो सूखने में थोड़ा टाइम लेती हैं, और टोटल लेयर वर्क होता है यहाँ पर, क्योंकि रियलिस्टिक वर्क में लेयर वर्क करना आवश्यक होता है, तभी जाके वो रियलिस्टिक नज़र आता है। तो यहाँ मैंने एक जो बेस लेयर होती है वो डाल चुका हूँ, और सेम जैसा आप देख रहे हैं ना, ऐसे ही दो पोर्ट्रेट सेम बने हुए हैं। तो ये दूसरे वाले पे काम हो रहा है, पहला वाला थोड़ा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन ये पूरा बेसिक से मैं स्टार्टिंग से शुरू कर रहा हूँ। तो ये बेस लेयर अभी मैं डाल रहा हूँ यहाँ पर। ऑयल पेंट में दोस्तों हमको डार्क टू लाइट चलना होता है, और डार्क टू लाइट के साथ साथ में हमें यह देखना होता है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर, पहले मैंने लाइट को छोड़ा है और डार्क को अप्लाई कर रहा हूँ, डार्क शेडिंग को, जहां जहां पिक्चर में शेडिंग्स हैं वहां वहां कलर अप्लाई कर रहा हूँ, और उसके बाद जो लाइट एरियाज हैं वो सारे के सारे मैं छोड़ता हुआ जा रहा हूँ, क्योंकि अभी बाद में मैं करूँगा इनको। और स्केचिंग में पहले से करके रखता हूँ, एक बार स्केचिंग सही हो जाती है तो फिर हमको पोर्ट्रेट बनाने में दिक्कत नहीं होती है। ये इस तरीके से, मैं जहां जहां सबसे पहले डार्क एरियाज हैं उनमें कलर डाल रहा हूँ यहाँ पे। और डार्क के लिए मैंने जो यहाँ यूज किया है कलर वो है बर्न अम्बर ब्लू, क्रिमजन और व्हाइट, साथ में येलो ऑकर, इसके साथ में मैं आगे बढ़ रहा हूं यहां पे। एक बार डार्क एरियाज कंप्लीट हो जाए, जहां जहां हमको वैल्यूज देनी है, उसके बाद हम लाइट की तरफ बढ़ जाएंगे। और ये काम एक्चुअली बड़ा है तो मैं पार्ट पार्ट में लेके आऊंगा इसको आपको, तो आज फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं आप लोग, इसके आगे का वीडियो भी मैं बताऊंगा आपको सारा। लेकिन सबसे पहले आपको डार्क को ही यहां अप्लाई करना है। अगर आप बिगनर हैं और ऑयल पेंट में कुछ सीखना चाहते हैं दोस्तों, तो ये जो मैं वर्क कर रहा हूं, इसके बीच में बहुत सारी चीजें भी बताऊंगा आप लोगों को, तो बने रहिएगा साथ में आप लोग। ऑयल पेंट में जब हम काम करते हैं तो थोड़ा सा हमको ना पेंट को थोड़ा थिक लेना पड़ता है, थोड़ा मोटा, एकदम वाटर कलर जैसा नहीं, इसको थोड़ा सा मोटा लेना पड़ता है ताकि एक अच्छे से लेयर हम डाल सकें, यहां पर स्ट्रोक्स अच्छे से दे सकें। और रेफरेंस पिक को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए आप लोग, ऑब्जर्व करने के बाद ही आप काम कीजिए, जितने अच्छे से ऑब्जर्वेशन होगा आपका उतना अच्छे से काम होगा आपका।
अभी ये बेसिक्स लेयर डल जाने के बाद में जब पार्ट टू में लेके आऊंगा आपको, तो उसमें बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट जानकारी और दूंगा मैं इसको। लेकिन मैंने काम नया शुरू किया, तो आप लोग शुरू से देखते रहिए इसको। तो दोस्तों ये थोड़ा सा लेयर हो चुका है, इसके बाद अब मैं नीचे ये कोड जो बना हुआ है इनका, इसको अप्लाई करता हूँ। ये भी बेसिक लेयर ही डाल रहा हूँ, उसके ऊपर और लेयर जाएगी। अभी ये आइवरी ब्लैक के साथ में मैंने को सेरुलिन ब्लू मिलाया है, जो ये कलर डाल रहा हूँ यहाँ पे, मैं आपको दिख रहा है ये, इसमें ब्लैक की मात्रा थोड़ी ज्यादा है। राइट फ्रेंड्स, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये और बाकी ये क्या है, बड़ा काम है, तो धीरे धीरे पार्ट पार्ट में मैं दूंगा आपको। ये पार्ट वन है, और पार्ट टू और पार्ट थ्री बहुत जल्दी मैं लेके आने वाला हूँ, क्योंकि काम प्रोसेस में चल ही रहा है, पर डे आपको मिलेगा। तो आज के लिए चलिए इतना ही, और आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो नए नए वीडियोस में आपको जब भी दूंगा तो आपको सबसे पहले आपको मिल जाएंगे। और इसी के साथ आप लोग कमेंट्स कीजिए कि और किस तरह इसकी ट्यूटोरियल वीडियो आपको चाहिए, ताकि मैं आप लोगों की अच्छे से हेल्प कर सकूं, अच्छे अच्छे वीडियोस बना सकूं, ट्यूटोरियल वीडियो बना सकूं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।